नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा स्टेशन अधीक्षक को कई महीनों से बंद पड़ी ट्रेनों को चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस और सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर लगभग 4 महीने से कोहरे के कारण बंद कर रखी है, जिसको चलाने के लिए आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग, अमित माहेश्वरी, भारत करणवाल, पंकज कालड़ा, राजीव तिवारी, मुकेश शेट्टी सहित व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। सहारनपुर में आज अम्बेडकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जिला अंडर 16 टीम के लिए ट्रायल कराया गया, जिसमें चयन समिति द्वारा ट्रायल लेने के बाद 2 दिन तक मैच अम्बेडकर स्टेडियम में कराया जाएगा, जिसके बाद 19 अप्रैल से मुजफ्फरनगर में सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर के बीच मैच खेले जाएंगे, जिसमें कानपुर से चयनकर्ताओं द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आज अम्बेडकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला अंडर 16 टीम के लिए ट्रायल संपन्न हो रहा है। चयन समिति द्वारा ट्रायल लेने के बाद 2 दिन के लिए ट्रायल मैचेस अम्बेडकर स्टेडियम में ही कराए जाएंगे और ट्रायल मैचेस के पश्चात आने वाली 19 तारीख से मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। चयन समिति ट्रायल लेने के बाद और ट्रायल मैचेस के परफॉर्मेंस के आधार पर कि जो टीम हमारी 15 या 16 सदस्य टीम जो मुजफ्फरनगर जाएगी उसका चयन किया जाएगा और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है फिर वहाँ कानपुर से चयनकर्ता आते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट होता है उसके बाद जोनल लेवल की टीम बनती है, फिर आगे का प्रोसेस सब होता है। सहारनपुर में आज भारत बंद के अवसर पर जहां शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दिन पहले ही सोशल मीडिया सर्विस सेवा बंद कर दी गई थी, वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहारनपुर में भारी फोर्स अलर्ट की गई है। सहारनपुर में आज IIBA ने UPSIDC द्वारा निरस्त किए गए प्लांटों के संबंध में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें UPSIDC द्वारा सन 2000 में प्लांटों का आवंटन शुरू किया गया था, जिसमें उद्यमियों द्वारा काफी संख्या में प्लांट बुक कराए गए थे, लेकिन सन 2000 से UPSIDC द्वारा आज तक मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। हम लोग यहाँ पर UPSIDC द्वारा जो प्लॉट लखनऊ में काटे गए थे उस औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्होंने प्लॉट को निरस्त कर दिया है UPSIDC ने, उनके बारे में कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।